हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हमारे साथ आने वाले हैं लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार। शांत शांत भैया शांत, मैं कौन हूँ आप जानते हो? साला बिगमंगा चोर साला। और ये बताओ मेरा स्टूडियो कैसा लगा आपको? भाई स्टूडियो एक नंबर है और बहुत मजा आ रहा है। और अंदर मतलब यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि वाकई में कोई प्रॉपर कोठी बंगले वाला मतलब बिग बॉस के सेट से कोई कम नहीं लग रहा। थैंक यू। पहले भी मेरा वीडियो देखते थे क्या आप? देखता हूँ यार तुम्हारी वीडियो, तुम भी कॉमेडी हो, तुम वो आजकल वो बोलते ना स्टैंड अप कॉमेडियन का है तुम्हारा, तुम स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम से जानते हैं, तुम्हारा देखे थे मैंने दो। अपने बिग बॉस में क्यों ऐसा किया था? मेरा मन कर रहा था मैं लोगों को तंग करूं और मैं उनका परेशान करूं, तो जो मैंने कांड करा वहां मैंने कर दिया। हाँ बात तो सही है, वहां जाके फेक और बाहर में रियल तो अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वैसा ही करना पड़ेगा। हो सकता है कि वहां पर आपसे सब लोग डरे हुए हैं। ये डर था कि अगर ये पुनीत कुमार ये सब चीजें करता रहेगा तो ये बाजी ये ले जाएगा और इस सीजन का विनर बिग बॉस OTT2 का विनर ये बन जाएगा। बिग बॉस के अंदर कैसे थे वो लोग? उनका तो कोई काम ही नहीं, उन्हें तो जबरदस्ती बैठा रखा था। अच्छा सही है, मैंने सुना है आप पैसे के लिए सब कुछ करते हो। पैसों के लिए मैं इतना गिर चुका हूं कि मुझे ऐसे आदमी के साथ बैठना पड़ रहा है, क्या करूं, मजबूरी आ गई है। तो पैसा नहीं मिला तो आप क्या करते हो? फ्री में तो तुम्हें पता है मैं फ्री में काम करता नहीं हूं। आप तो लालची निकले। चांटे मारूंगा तेरे मुंह पे, इतने चांटे मारूंगा कि मार मार के साले तेरी टांट नकली कर दूंगा। आपका कौन सा वीडियो वायरल हुआ था पहली बार? वीडियो बनाया था चाय के ग्लास लेते हुए, तो वो डायलॉग कुछ इस प्रकार था, मैं लेटा हुआ था, मेरी भी दाढ़ी काफी ज्यादा बड़ी हुई थी, बाल बाल एकदम मतलब बिल्कुल एकदम आंखों में ना बिल्कुल काला छाई हुई थी, एकदम चेहरा बिल्कुल लाल हुआ था टेंशन से। तो मैंने उठा और फिर मैंने ये डायलॉग बोला कि दोस्तों अभी अभी उठाऊं मैं, चाय पीऊंगा, नहाऊंगा, टिकटॉक की वीडियो बनाऊंगा, अपने माँ बाप की गालियां खाऊंगा, उसके बाद रात को फ्री का खाना खाके अपने माँ बाप के टुकड़े बल के सो जाऊंगा। मेरा जो मेरा वीडियो वायरल हुआ था मैंने पोस्ट करके छोड़ दिया, बाहर गया, रात को घर पे आया तो भाई साहब देखा उस दिन मेरे 250 लाइक उस वीडियो में। उस जमाने में 250 लाइक हमारे को ऐसे होते थे जैसे आज की डेट में 2500-3000 वीडियो या 2500-3 लाख। मैं पागल हो गया कि मेरा वीडियो 250 लोगों ने देख लिया और 17-18 कमेंट थे उस पर। मेरा दिमाग खराब, मैं खुशी से झूम उठ गया, फिर मेरे में कुछ थोड़ी सी एक वीडियो बनाने की क्षमता आई। इतना मेहनत करने के बाद ये हासिल हुआ है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और मैं भी इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ लेकिन व्यूज नहीं आता है क्या? मैं बताता हूँ आपको, कैमरा भी क्या होता है, एक ना इंसान होता है, लोग लाखों क्या बात करते हैं यार, लेकिन ये मशीनरी नहीं होता, ये भाई साहब ये भी एक इंसान होता है। क्या ये मेरा इंसान है? ये जो चेहरा ये जब देखता है ना कि सामने वो चेहरा हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कैमरा भी उसी को वायरल करता है, वरना बनाने वाले तो लाखों लोग वीडियो बना रहे हैं, बना बना के चले जाते हैं, कोई वायरल नहीं हो पाता, वो देख लेता है कि यार इसमें कुछ बात है। हाँ वो बात भी सही है, कब वायरल हो जाते हैं वो तो। और आज का वीडियो यहीं तक था, और थैंक यू सुपरस्टार सर आज आने के लिए। और कोई भी ये वीडियो को सीरियसली मत लेना, और आप भी बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी लेते हो तो लेने दो क्या। एक बात मेरे व्यूअर को भी बताइए, इस वीडियो में कितने लाइक आना चाहिए? 18,000 लाइक। 18K यहाँ पर व्यूज 1K तो नहीं आता है, 18K क्या? अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, फैन बोलेंगे इतनी बढ़िया नामी। थैंक यू लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार आज आने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही मैं कंटेंट लेते रहूंगा और आता रहूंगा। धन्यवाद।